खबर उत्तर प्रदेश के श्रावस्ती जनपद के नवीन माडर्न थाना श्रावस्ती इलाके से है, जहां पर नेशनल हाईवे 730 पर बाइक और साइकिल की टक्कर हो गई, जिसमें 3 लोग चोटिल हुए। सभी को इकोना के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती कराया गया। आपको बता दें, नवीन माडर्न थाना श्रावस्ती इलाके के चौधरी राम बिहारी बुद्धा इंटर कॉलेज के पास गुलरिहा निवासी 60 वर्षीय बुजुर्ग रामपति पुत्र राम अचल साइकिल पर सवार होकर आ रहे थे, तभी सामने से आ रहे इलाहाबाद निवासी 2 युवक जो बाइक पर सवार थे, दोनों वाहनों की टक्कर हो गई। इस हादसे में इलाहाबाद निवासी बाइक सवार 35 वर्षीय मस्तराम व 30 वर्षीय सावल व साइकिल सवार 60 वर्षीय बुजुर्ग रामपति घायल हुए। सूचना पर पहुंची एम्बुलेंस की टीम ने सभी को लाकर इकोना के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती कराया, जहां पर डॉक्टरों ने सभी का उपचार शुरू किया। वहीं इस घटना में बाइक भी क्षतिग्रस्त हुई। UP 43 AN 9155 बाइक ने साइकिल सवार बुजुर्ग को टक्कर मारी, जिससे बुजुर्ग को भी चोटें आईं। हालाँकि इस घटना में बाइक सवार भी चोटिल हुए और सभी को पुलिस की मौजूदगी में इकोना के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पहुंचाया गया, जहां पर डॉक्टरों ने इनका उपचार शुरू किया। श्रावस्ती जनपद के इकोना बलरामपुर मार्ग के नेशनल हाईवे 730 चौधरी राम बिहारी बुद्धा इंटर कॉलेज के पास का यह पूरा मामला है, जहां पर बाइक और साइकिल की टक्कर हो गई और इस हादसे में बुजुर्ग समेत 3 लोग घायल हुए। सभी को सूचना पर पहुंची एम्बुलेंस की टीम ने लाकर इकोना के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पहुंचाया, जहां पर सभी का उपचार किया गया। श्रावस्ती जनपद के नवीन माडर्न थाना श्रावस्ती इलाके के नेशनल हाईवे 730 चौधरी राम बिहारी बुद्धा इंटर कॉलेज के पास का मामला। साइकिल और बाइक की टक्कर में बुजुर्ग समेत 3 लोग चोटिल हुए। सभी को इकोना के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पहुंचाया गया, जहां पर उनका दवा उपचार किया गया।